हेलो स्टूडेंट्स बेटे, मैं थोड़े ना पहला एक वीडियो शेयर कर चुकी हाँ। 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हैलो अलकीन एंड हैलो एरीन्स। उदों मैं तुहानू इह कहा सी कि तुसी अपनी एक अलग कापी लगाओ, उहदे ते इन्हां क्वेश्चनस दे आंसरस लभ के लिखो, याद करो। तो इस तों बाद मैं तुहानू वीडियो इहदी सॉल्व करके फिर तुहाडे नाल शेयर करूँगी। अज वो वाले जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां नूं मैं सॉल्व करके तुहाडे सामने लैके आई हाँ, वीडियो बनाई है। तो जेकर तुहानू इहदे विचों कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो तुसीं इस वीडियो तो देख सकते होंगे, समझ सकते होंगे, तो उहदे आंसरस दोबारा तो लिख के याद कर लो। पहला क्वेश्चन आ, वट हैपन्स वैन एन ब्यूटाइल कलोराइड इज ट्रीटड विद एलकोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एन ब्यूटाइल कलोराइड की हुंदा आ कि एक लोंग चेन होगी, मतलब सर्कल नहीं बनया होया, साइकल नहीं बनया होया, लंबी चेन है एक, उहदे नाल एक पासे हैलोजन लग्या, उहनूं आपां कहिंदे एन। ब्यूटाइल मतलब चार ने इह, एन ब्यूटाइल कलोराइड। रिएक्शन किहदे नाल करवाउणा, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे नाल की बन गया, एल्कीन बन जांदा है। नाल की निकलिया, पोटाशियम कलोराइड ते एक मोलीक्यूल पानी दा भी निकलिया। नैक्सट आ, ब्रोमोबेंजीन इज़ ट्रीटड विद मैगनीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जदों कोई भी, चाहे अल्काइल हलाइड आ, चाहे हैलो एरीन आ, चाहे हैलो अल्काइल हलाइड हो गए जां हैलो एरीन हो गए, उन्हूं जदों आपां ट्रीट कर देंगे मैगनीशियम दे नाल तां की बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। ब्रोमोबेंजीन प्लस मैगनीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के विच फिनाइल मैगनीशियम ब्रोमाइड बन गया, जिन्हों आप की कहने हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नैक्सट हैगा, क्लोरोबेंजीन इज सबजैक्ट टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन की जो आप हाइड्रोलिसिस करवाने विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई रिएक्शन नहीं होएगा बेटा अंडर नॉर्मल कंडीशनस। ये रिएक्शन करवाने वास्ते सानू बहुत ज़्यादा इनू हीट देनी पैंदी आ अते काफ़ी ज़्यादा सानू प्रैशर देना पैंदा उसनू, तां रिएक्शन होएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होएगा। नैक्सट आ, इथाइल कलोराइड इज ट्रीटड विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पहला आपां कीता अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हुण करना आपां एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे नाल जदों ट्रीट करदे आ तां की बनदा, इथेनोल। याद रखना, पेपर दे विच इह ध्यान देना, तुसीं वी एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखिया जां अल्कोहलिक लिखिया। जेकर अल्कोहलिक लिखिया होया होगा तां एल्कीन बनेगा, जेकर एक्वस लिखिया होया होगा तां अल्कोहल बनूगा। हुण तुहानूं एक्वस दा पता होना चाहिए, एक्वस दा मतलब की हुंदा, भी घोलिया किहदे विच होया, पानी दे विच। सॉल्वेंट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किहदे विच घोलिया होया, वो सॉल्वेंट किहड़ा आ, वो हैगा पानी है इहदे विच। जेकर अल्कोहलिक लिखिया इहदा मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नूं अल्कोहल दे विच घोलिया गया है। नैक्सट क्वेश्चन आ, मिथाइल ब्रोमाइड इज़ ट्रीटड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो तुहानूं समझ लग गई होणी, आपां नेमिंग रिएक्शन कीते ने ना, तुहानूं याद आ जाणा चाहीदा वी किहड़ा रिएक्शन आ इह। मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक, दो सोडियम दे मॉलीक्यूल लाए ने, ते दो मॉलीक्यूल लाए ने आपां मिथाइल ब्रोमाइड दे, की बन गया, इथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इथेन बन गया, ते दो मॉलीक्यूल निकले सोडियम ब्रोमाइड दे। नैक्सट आ, मिथाइल कलोराइड इज ट्रीटड विद पोटाशियम साइनाइड। पोटाशियम साइनाइड दे नाल जेकर रिएक्शन करवाने तां की बन गया, मिथाइल साइनाइड बनेगा प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन अगे जाके एक होर क्वेश्चन आऊगा, उहदे विच वी मैं तुहानूं चंगी तरह समझाऊंगी। नैक्सट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो अल्केन ते हैलो एरीन दे विच आपां डिफरेंस दसना है। हैलो अल्केन किहड़े होगे, जिहड़े कि किसी अल्काइल हाइड्रोकार्बन आ जिहड़ा उहदे नाल ओपन चेन आ, एक उहदे नाल हैलोजन लग्या होया, ते हैलो एरीन दे विच कि एक क्लोज्ड चेन आ उहदे विच हैलोजन लग्या होया उहदे नाल। नैक्सट इहदे विच डिफरेंस की है कि हैलोजन एटम इन हैलो अल्केन्स इज़ वेरी रिएक्टिव एंड कैन बी ईजीली रिप्लेसड बाय न्यूक्लियोफाइल, पर इहदे विच ईजीली रिप्लेसड न्यूक्लियोफाइल दे नाल नहीं हो सकता। नैक्सट हैगा, सिल्वर नाइट्रेट टैसट। सिल्वर नाइट्रेट टैसट दे विच की आ, कंपाउंड लिया सी जिहड़ा, उहदे विच की पाया, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, गर्म किया उहनूं, फिर उस तों बाद उहनूं ठंडा किया, ठंडा करके की पाया उहदे विच, फिर डायल्यूट नाइट्रिक एसिड दे नाल आपां उहनूं एसिडिफाइड करता, फिर की पाया उहदे विच, कुछ ड्रॉप्स कादे पाए ने, सिल्वर नाइट्रेट, इसे करके इहदा नाम की है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। लास्ट ते आपां की पाउणे ने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जेकर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं दैन इट इज़ हैलो अल्केन, इफ वाइट प्रेसिपिटेट्स डजेंट अकर दैन इट इज़ हैलो एरीन। नैक्सट क्वेश्चन, वाई द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल कलोराइड विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
leads to the formation of alcohols, whereas in the presence of alcoholic potassium hydroxide, alkenes are formed. हुण जिवें आपां करके हटियां पहलां भी एक्वस लिया जेकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पानी दे विच घोलिया होया तां की बनूगा अल्कोहल, क्योंकि आयोनाइजेशन हो जाती है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दी, की प्रोड्यूस करता हाइड्रोक्साइड आयनस विच आर स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल केड़ा हुंदा नैगेटिवली चार्ज्ड, इस करके अल्काइल क्लोराइड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अल्कोहल्स। नैक्सट जेकर अल्कोहलिक दे विच लिया आपां तां की होएगा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी कि अल्कोहल दे विच घोलिया होया नूं तां की बनाऊगा एल्कोक्साइड आयन। मैं नैक्सट ईयर समझाउंदी आं भी एल्कोक्साइड आयन किवें बनिया, विच इज़ अ स्ट्रोंग बेस हुंदा हो, इस करके एबस्ट्रैक्ट की करूगा हो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन अल्फा तो वह जिदे नाल हैलोजन लग्या होया उहदे नाल लगमा की है बीटा, उत्थों हाइड्रोजन नूं कढूगा, इत्थों अल्कोहल क्लोराइड निकलूगा, इत्थों हाइड्रोजन निकलूगा तां इक एसिड निकल जूगा। अल्काइल क्लोराइड ए मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज एलिमिनेटेड एंड एन एल्कीन इज फॉर्म्ड, द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मच देन द बेसिसिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, एज हाइड्रोक्साइड आयन इज सिग्निफिकेंटली हाइड्रेटेड इन एक्व सोल्यूशन, हैंस हाइड्रोक्साइड आयन आ जिहड़ा उह बीटा हाइड्रोजन नूं नहीं एलीमीनेट कर सकदा। इतने मैं तुम्हें हम समझाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जोड़ा वो आयन का टुटूगा पोटाशियम प्लस तो हाइड्रोक्साइड आयन नैगेटिव। मैं इतने हम की लिया मिथेनोल, अल्कोहल के आप घोल ना अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया, मिथेनोल लिया, मिथेनोल का टुट गया एक एल्कोक्साइड आह आयन बन गया तो एक हाइड्रोजन आयन बन गया। हूँ जो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्स हाइड्रोक्साइड आयन ये तो एक पानी का मोलीक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। पटा जिहड़ा इत्थे कलोरीन आ हुण इह मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, इह इत्थों इलैक्ट्रॉन लऊगा तो इत्थे नैगेटिव चार्ज आऊगा, इह पोटाशियम इहनूं अप्रोच करूगा की बनूगा फिर पोटाशियम कलोराइड बन जूगा। जदों इहने इहदे ते नैगेटिव चार्ज आ गए इहने तां इह वाले इलैक्ट्रॉन लै ले ना, इह वाले इलैक्ट्रॉन जदों इहने लै ले तां इहदा मतलब इहदे ते आ गया पॉजिटिव चार्ज, इह ते पॉजिटिव चार्ज आ गया तां इह इलैक्ट्रॉन इधरों खिचूगा, इधरों इलैक्ट्रॉन लऊगा तां इह फिर की करदा आ आ जिहड़ा बीटा ते हाइड्रोजन लग्या होया हाइड्रोजन तो यह वाला बॉन्ड टुटूगा, यह वाले इलैक्ट्रॉन ये लऊगा फिर कार्बन, ये वाले तो आजूगा पॉजिटिव चार्ज, फिर एल्कोक्साइड के नाल मुड़ के फिर की बनाता मिथेनोल बना दिता इन्हें, तो इतने की हो गया हुण एक बॉन्ड टुट गया इहदा मतलब फिर इतने डबल बॉन्ड बनूगा, इतने बन गया डबल बॉन्ड तो की बन गया फिर एल्कीन बन गया। कार्बन के आसे पासे चारे बॉन्ड पूरे करते दो तीन चार दो तीन चार ठीक है एल्कीन बन गया। नैक्सट क्वेश्चन आ हैलो अल्केन्स रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड टू गिव अल्काइल साइनाइड बट गिवज अल्काइल आइसोसाइनाइड विद सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड एम्बियंट है बेटा न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड है ना एम्बियंट हों, यानी कि दोनों पास यह कंबाइन कर सकता कार्बन वाले पास भी नाइट्रोजन वाले पास, पर पोटाशियम साइनाइड के है कार्बन वाले पास अटैक करता है अल्काइल हैलाइड ते, क्यों क्योंकि यह आयनिक कंपाउंड आ आयनस दे विच टुट जाता है, जो आयनस दे विच टुट जाता तो कार्बन तो भी अटैक कर सकता नाइट्रोजन तो भी कर सकता है, पर करता कार्बन तो आ क्यों क्योंकि कार्बन कार्बन जिहड़ा बॉन्ड आ इज़ मोर स्टेबल दैन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। नैक्सट आ गया हुण सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड की है कोवलेंट आ इन नेचर, कोवलेंट होने कारण ये की है नाइट्रोजन को जिहड़ा लोन पेयर आ वह देण नूं इहनूं तैयार आ, ये तो पोलैरिटी करके ये तो पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज आ गया, यू पॉजिटिव वाले इलैक्ट्रॉन दे दूगा इनू इलैक्ट्रॉन दूगा तो यह मतलब नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाऊगा, तो आर एन सी लिखा इनू इस तरह भी लिख सकते हो तुम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड सी ए पॉजिटिव चार्ज ये नैगेटिव चार्ज। नैक्सट है वाई एराइल हैलाइड्स आर लैस रिएक्टिव दैन अल्काइल हैलाइड्स, इस क्वेश्चन में देखो मैं उपर यह भी लिखा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन, यानी कि दो रिएक्शन दो क्वेश्चन बनते हैं इतने why aryl halides are less reactive than alkyl halides ja why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than alkyl halides, eda answer are due to ek ta resonance nucleophilic substitution reaction because of the resonance stabilization te ek sp2 hybridization of carbon attached to halide ions, resonance de karan ki ya carbon chloride bond a jada utte partial double bond aa janda, dekho reaction jive main ede te tonu रेजनेंस दिखाई है पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो वो ते पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस करके डबल बॉन्ड स्ट्रोंग हुंदा है दैन दस कैन नॉट बी ईजीली रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, दिस इफेक्ट इज फरदर होर की इफेक्ट है एसपी टू नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच कलोरीन इज अटैच,
बेंजीन दे विच जिहड़ा कार्बन दे नाल हैलोजन लग्या हुआ हैगा एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड, ते जिहड़ा अल्काइल दे विच लग्या अल्काइल हैलाइड दे विच उत्थे एस पी थ्री हाइब्रिडाइज आ। जिहड़ा एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हुंदा आ विद ग्रेटर एस करैक्टर इहदे विच मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव हो जाता, इस करके इलैक्ट्रॉन्स नूं ज़्यादा टाइटली हैल्ड करता एज कंपेयर टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन अल्काइल हैलाइड। इस करके की हुंदा बॉन्ड क्लीवेज इन एराइल हैलाइड इज सम वट मोर डिफिकल्ट दैन अल्काइल हैलाइड्स। नैक्सट क्वेश्चन, विद द हैल्प ऑफ रेजोनेंस शो एराइल हैलाइड्स आर लैस रिएक्टिव दैन अल्काइल हैलाइड। हुणे जिहड़ा आपां आंसर करके हटियां इहदा आंसर सिर्फ आपां एराइल रेजोनेंस तक ही रखना, अगों ये नहीं देना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं देनी, सेम आंसर आऊगा इहदा। नैक्सट आ कन्वर्ट बेंजीन टू बाईफिनाइल, बाईफिनाइल जां डाईफिनाइल, बेटा याद आ जाना चाहिए आपां। देखो मैं तीन वीडियोज पा चुकी हूँ तुहानूं नेमिंग रिएक्शन दीआं, सारे नेमिंग रिएक्शन कराते तुहानूं मैं हैलो अल्केन ते हैलो अरीन दे, उहदे विच बाईफिनाइल बनाया सी आपां बेंजीन फिटिंग रिएक्शन, तुहानूं याद आ जाना चाहिए इह फिटिंग रिएक्शन। नैक्सट हैगा वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन, इहदे विच की आपां ब्रोमीन नूं एक नंबर तो ला के दो ते लाउणा, इहदे विच की करना पऊ आपां नूं, पहलां आपां नूं इहनां नूं अल्कीन बनाउणा पऊगा, डबल बॉन्ड बनाउणा पऊगा, फिर इह टू ते जाऊगा मार्कोवनिकोव रूल दे नाल। नैक्सट हैगा इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड, हुणे आपां करके हटे हां आइसोसाइनाइड सिल्वर साइनाइड दे नाल। फिर हैगा क्लोरो बेंजीन टू डीडीटी, ब्रोमोइथेन टू आइडोइथेन, याद करो किहड़ा आ इह रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन फिनकलस्टेन रिएक्शन आ इह, आइडो आइडो बनाउणा ब्रोमोइथेन तो एसीटोन की प्रेजेंस दे विच। नैक्सट आइडेंटिफाई करना आप इस तरह भी, देखो क्वेश्चन तुहानू आ सकता अलकोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के ए वाला प्रोडक्ट की बनूगा, जे अगों ब्रोमीन दे नाल रिएक्शन करना तां बी प्रोडक्ट की बनूगा। नैक्सट इस तरह बेंजीन नाल ब्रोमीन दे विच नाल रिएक्शन हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ई बी आर थ्री, ए प्रोडक्ट की बनूगा दो सोडियम ड्राई ईथर, देखो फिर तुहानू याद आ जाना चाहिए किहड़ा रिएक्शन है, तो बी वाला प्रोडक्ट की बनूगा। ये देखो फस्ट वाले दे विच फस्ट वाला तो जो लास्ट आप ए बी वाला जो क्ढना से सेम ही ने रिएक्शन, ये की आ ब्रोमीन के नाल कीता तां ब्रोमोबेंजीन बनिया, तो सोडियम ला करता तां बाईफिनाइल जां कह लो डाईफिनाइल, इको ही गल आ जे बाईफिनाइल लिखिया तां वी उही आ, ये कड़ा बन गया फिटिंग रिएक्शन। नैक्सट वन ब्रोमो प्रोपेन नूं आपां टू ब्रोमो च कन्वर्ट किया तां अलकोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नाल पहला आप करांगे अल्कीन बना लेंगे, फिर आप हैलोजन एसिड के नाल रिएक्ट करवा के कोई भी हैलोजन, जे ब्रोमीन लाना तो ब्रोमीन वाला, तो आप ब्रोमीन ही लाना सी इस करके ब्रोमीन लवेंगे टू ब्रोमो प्रोपेन बन गया। नैक्सट इथाइल ब्रोमाइड में आप इथाइल आइसोसाइनाइड के सिल्वर साइनाइड के नाल हुणे करके हटे भी आप, फिर हैगा डी डी टी कन्वर्ट करना कलोरल, यानि कि एक मोलीक्यूल कलोरल का दो कलोरोबेंजीन दे, हाइड्रोजन तो अलग दिखाया तो कि तुम समझाने वास्ते भी एक मोलीक्यूल इतों पानी का निकलूगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस के की बन गया डाई कलोरो दो कलोरो, डाई फिनाइल दो फिनाइल, ट्राई कलोरो तीन कलोरो, इथेन आ वाला इथेन हो गया डाई कलोरो डाई फिनाइल ट्राई कलोरो इथेन, यानी कि डी डी टी कहते हैं। नैक्सट आ ब्रोमोइथेन कन्वर्ट करना आइडोइथेन, फिनकलस्टेन रिएक्शन हो गया सोडियम आइड्रेट की प्रेजेंस के नाल एसीटोन की प्रेजेंस के गर्म करना। नैक्सट आ गया हूँ ए ते बी लभने आप अलकोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आप हमने पिछे करके हटे अलकोहलिक दे नाल की बनता इथीन, एक्वस दे नाल की बनता अलकोहल बनता, अलकोहलिक ना कराया इथीन बनूगा ब्रोमोइथेन आ ना तो इथीन बनूगा, ए प्रोडक्ट ए बन गया। ब्रोमीन जो नाल आप ब्रोमीन वाटर के नाल जो रिएक्शन कराने तो दोनों कार्बन के नाल एक एक ब्रोमीन लगेगा, तो तुम आंसर किमें लिखना ए करके लिख देना भी ए की बनया इथीन बी की बनया वन टू डाई ब्रोमो इथेन। नैक्सट वाला तो पहला हो भी चुके ठीक है, समझो हूँ ए की है तो बी की है तुम आप करो। नैक्सट बेटा मैं टू मार्क्स के क्वेश्चन भी क्ढे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तेजे स्क्रीन के सामने ने, ये क्वेश्चन देखो मोस्टली तो अपने हो चुके ने, कोई होगा एक अद्धा क्वेश्चन तो तुम हमने कापी के उत्ते क्वेश्चन लिखने ने और इन्हों के आंसर लिखने ने, चंगी तरह इन्हों याद करना क्वेश्चनस नू। आ लो सारे के सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी स्क्रीन के सामने लिया, इन क्वेश्चनस नू कापी ते लिखो और याद करो, और पिछले जड़े हुण मैं तुहानू सॉल्व करके दिते ने इन्हां विचों जेकर तुहानू किसे दा नहीं सी आंसर पता लगता तो हुण इस तो देख के लिख सकदे होंगे। मेरे चैनल नू बेटा सबसक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने होर फ्रेंड्स नू भी मेरे वाले चैनल नू शेयर करो ताकि वह भी पढ़ सकन, याद करन, वधिया उन्हां नू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लगे। और ये जड़े नोट्स ने
ये मैं तुहानू इहदी पीडीएफ फाइल बना के इहदा लिंक मैं तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच पाऊंगी और 5 मार्क्स के जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस पहलां तुहानू वीडियो पाई हुई आ उहदे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक पाऊंगी, उत्थों तुसीं देख सकदे होंगे। और सैटरडे नू मैं तुहाडा टैसट पाऊंगी इसे लैसन चो, हैलो अलकेन ते हैलो अरीन, मैं क्वेश्चन तुहानू सारे करवाते। कल नू 2 मार्क्स वाले जिहड़े तुहाडे नहीं होए हुए उहदी भी वीडियो पा दूंगी, ते तुसीं चंगी तरह तैयारी करनी है। इस लैसन दे विचों आपां 7 नंबर किसे पासे जाण नहीं देने, चंगी तरह याद करने, 7 दे विचों 7 पूरे लैणे ने इहदे विचों। थैंक यू।